भारतीय जनता पार्टी के घंटानाद आंदोलन के ठीक पहले एक कार्यकर्ता द्वारा फेसबुक पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट से बवाल का माहौल निर्मित हो गया है। दिग्विजय सिंह नाम के मारुताल निवासी कार्यकर्ता द्वारा केंद्रीय मंत्री की फोटो को क्रॉस करते हुए घंटानाद आंदोलन की फेसबुक पोस्ट को शेयर किया गया है। मंगलवार दोपहर भाजपा नेताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी विवेक सिंह को जिला भाजपा के लेटर पैड पर एक ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर एसपी द्वारा जांच के बाद कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया गया है। वहीं इसको लेकर भाजपा नेता खुलकर बोलते नजर आए। दिग्विजय सिंह राजपूत जो मारुताल में निवासी है, किसी प्राइवेट संस्था में कार्यरत है, वो काफ़ी समय से आपत्तिजनक टिप्पणी और भाषा का प्रयोग फेसबुक और सोशल मीडिया पर कर रहा था। कल रात्रि में भी उसमें एक कल कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का 11 तारीख को कलेक्ट्रेट के घेराव, उस पोस्टर में उसने छेड़छाड़ की, उनके चेहरे पर कट्टस का निशान लगाया और सोशल मीडिया पर वायरल की। उसे एसपी महोदय के समस्त हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। कोई भी व्यक्ति हो और किसी भी जनप्रतिनिधि के प्रति अगर उसके द्वारा कोई गलत प्रतिक्रिया दी जाएगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अनुशासनहीनता की कार्रवाई उसके खिलाफ करने से नहीं चूकेगी। अगर आज किसी ने अगर ये प्रतिक्रिया दी है तो मैं उसकी भरसक निंदा करता हूँ और अपने समस्त कार्यकर्ताओं को भी मैं निर्देशित करना चाहता हूँ उसके माध्यम से कि अनुशासनहीनता पार्टी में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिग्विजय सिंह ने जो टिप्पणी की है, निश्चित ही इस टिप्पणी से इस शहर का और इस पूरे लोकसभा का माहौल ख़राब करने का जो काम किया जा रहा है, ऐसे लोगों के विरुद्ध में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एसपी साहब से निवेदन करने आए थे कि ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई की जाए, जिससे हमारे के चित्र के ऊपर आपत्तिजनक क्रॉस का निशान बना के कल फेसबुक पर पोस्ट किया था। उस बात से लेकर भारतीय जनता पार्टी का पूरे ज़िले का, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का कार्यकर्ता उद्वेलित है और शब में क्षोभ व्यक्त करते हुए इस बात को एसपी महोदय के समक्ष रखा कि शीघ्र उसकी गिरफ्तारी हो, आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हो, उसके पास शस्त्र लाइसेंस भी है और समय समय पर वो शस्त्र का अनुपयुक्त उपयोग करता रहता है, तो हमने शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने की भी मांग की।